Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. Assalamu alaikum. आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा. सूजी का हलवा बनाने के लिए चाहिए 3 कप पानी. ये 3 कप पानी, 1 कप चीनी, 1 डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए. इसके बाद जैसे ही बॉईल आए तो चूल्हा बंद कर देना है. पानी में अच्छी तरह बॉईल आ गया है, चीनी अच्छी तरह से इसमें हल हो गई है. मैंने चीनी 1 कप ली थी, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जैसा आप मीठा पसंद करते हैं. अब यहाँ इसका चूल्हा हमें बंद कर देना है. अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1.5 कप उसमें हम घी डालेंगे. आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं. इसके साथ ही इस तरह से तोड़कर 2-3 इलायची डाल देंगे, हरी इलायची, और इसे खुशबू आने तक हम भून लेंगे. इलायचियों में से खुशबू आना शुरू हो गई है, घी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है. मैं यहाँ 3 कप सूजी डाल रही हूँ. इसे 5 से 10 मिनट तक इसे भूनना है, इसका कलर आने तक. ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाती है. अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी, कलर चेंज होने तक. थोड़ा इसे लो टू मीडियम पर इसकी भुनाई करनी है, तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल नहीं भूनना है. मुसलसल इसे चम्मच चलाते रहना है. मुझे इसकी भुनाई करते हुए यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं. इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, खुशबू भी आ रही है इसमें से. इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं. दूध शामिल करने के बाद आप इसे 2 मिनट तक इसे मिक्स करें अच्छी तरह से. मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है. मुझे 2 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए. अब जो हमने शीरा बनाया था, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे. शीरा ठंडा ऐड नहीं करना है, अगर ठंडा हो जाए तो उसे फिर से गर्म करना है और इसमें ऐड करना है. फिर उसके बाद हमें कवर करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाना है. मैंने इसे कवर कर दिया है. इसे कवर करके हम 2 मिनट और पकाया है. अब इसी स्टेज पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून बादाम डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून पिस्ता, थोड़ी सी इसमें किशमिश डालूंगी, ये खोपरा, और फिर अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूंगी. इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 1 या 2 मिनट तक इसे पकाना है. मैं इसे कवर करके पकाऊंगी. हाँ, से मैंने इसे कवर कर लिया है 1 या 2 मिनट के लिए. यहाँ मुझे 2 मिनट हो चुके हैं.
सूजी का हलवा रेडी है। ये देखिए, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। देखिए, तो चलिए करते हैं डिश आउट। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। देखिए, मज़ेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। और ये किशमिश, खोपरा, देखिए तैयार है सूजी का हलवा। तो प्लीज़ आप सब मुझे बताइएगा कि आज की आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपने ट्राई किया तो ये कैसा बना है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।